हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नंदू सबका बंधु में। गाइस हम लेकर पेश है एक और धमाकेदार वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि इस ड्रेस में हमारी पहली वाली वीडियो अभी काफ़ी अच्छी रनिंग चल रही है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो हम उसका पार्ट टू लेकर आ गए हैं कि लोग हमारी हेल्प करते हैं नहीं करते। और यार, ऐसा नहीं है कि मैं किसी लड़की के साथ या किसी लड़के के साथ फ्रॉड कर रहा हूँ और उनसे पैसे ठग रहा हूँ। मैं ऑन कैमरा उनके पैसे रिटर्न भी कर रहा हूँ और उनका सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो वीडियो में किसी तरीके की हेट मत देना, ये सिर्फ एक मैसेज के लिए वीडियो है। तो मैं मिलूँगा आपसे वीडियो के बाद। जय हिंद मैडम। क्या नाम है आप लोगों का? पूजा। पूजा। सुलेखा। मेरा नाम नंद किशोर है, नंदू। तो मैं एक्चुअली ITBP में मेरी सर्विस है, तो दो मिनट बात कर सकता हूँ? कंफर्टेबल हो ना? कोई बात नहीं करते। जय हिंद मैडम। जय हिंद सर। क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम करिश्मा। मिताली, बहुत प्यारा नाम है यार। मैं दो मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? कंफर्टेबल हो? क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपको बुरा तो नहीं लगेगा आपसे दो मिनट बात कर लूँ मैं? ना। मेरा नाम नंदू है, मैं ITBP का सिपाही हूँ। तो मैं ना यार आपसे एक छोटी सी हेल्प के लिए आया हूँ। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली मेरी ना और मेरे फ्रेंड की एक पोस्टिंग थी, ठीक है? मतलब वो मेरा फ्रेंड नया नया बना था, उसकी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी, तो हम लोग साथ में ड्यूटी कर रहे थे। तो जब वो आर्मी में ज्वाइन हुआ था ना, तो उसका एक सपना था कि यार उसकी बहन की शादी ना बहुत अच्छे से हो, मतलब धूमधाम से जैसे सबकी होती है, तो वो चाहता था और बहुत अच्छे तरीके से उसकी शादी होए। तो फिर मतलब वो मेरे साथ ही मेरे क्लोज ज़्यादा था। तो फिर पता क्या हुआ, मतलब एक वॉर हुई और उसमें उसको गोली लग गई, मतलब जैकेट उस टाइम पहनना भूल गया था तो उसकी गोली लग गई, तो मतलब उसकी डेथ हो गई। और उसने मेरे को जाते जाते ये कहा था कि यार मैं तो जा रहा हूँ, मेरी बहन की शादी तो देख रही हो। तो यार मैंने उससे प्रॉमिस तो कर दिया, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। मैं अभी मेरी कोई इनकम वगैरह भी नहीं है और मैं उससे प्रॉमिस कर चुका हूँ। तो आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? नहीं मतलब, तो वो आर्मी ज्वाइन करी थी उसने, जब से तब से उसका एक सपना था कि यार वो अपनी बहन की शादी बहुत अच्छे से करवा दे। तो फिर पता क्या हुआ, मतलब हम लोग साथ में ड्यूटी कर ही रहे थे, फिर एक वॉर हुई और उसमें मतलब वो शहीद हो गया। तो मतलब उसने मेरे से बोला था ये सारी चीज़ें कि यार मेरी बहन की शादी करा दी ये वो। और जब मतलब जाते जाते भी वो मेरे से कह के गया था कि भाई मैं तो मर गया मतलब, और ये जो भी जिम्मेदारी है तेरे ऊपर है। तो अभी मैं मतलब मेरी सैलरी इतनी नहीं आ रही कि मैं कैसे करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। लेकिन जो भी मतलब मेरे से हो सकेगा मैं तो करूँगा ही, लेकिन अभी ना मेरे पास थोड़ी पैसे की खुद की समस्या चल रही है, क्योंकि हम लोगों की सैलरी इतनी ज़्यादा होती नहीं कि ज़्यादा हो अच्छे से कर लें। अब नॉर्मल शादी तो मैं निपटा दूंगा, लेकिन उसका सपना था कि उसकी बहन की शादी धूमधाम से हो। ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए मेरे को, हेल्प सिर्फ ये चाहिए कि यार मेरे पास पैसे हैं मतलब इनफ है जो शादी जितने में हो जाए। लेकिन उसने कहा था कि यार धूमधाम से करना वगैरह वगैरह। तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे पास अगर मतलब एडवांस अगर इकट्ठा हो जाता तो मैं बाद में जब मेरी सैलरी आती तो मैं रिटर्न करता रहता, मतलब जिस से भी लेता उसको रिटर्न करता रहता। तो अभी क्या है, मेरी सैलरी जितनी आ रही है वो लिमिटेड आ रही है, हम लोगों को सैलरी कम मिलती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलती है, मैं तो सिर्फ एक सिपाही हूँ ना, तो हम लोगों की सैलरी बहुत कम होती है। अब उस सैलरी में घर चलाएँ, दवाइयाँ वगैरह ये, या शादी कराएँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हम क्या कर सकते हैं आप बताओ मेरे को? यार मतलब अगर आपके पास, देखो मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, अगर देखो उस मतलब मेरा दोस्त थी उसकी बहन की शादी, अगर हो सके कुछ हेल्प तो, अगर लड़की की शादी अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, मैं आपको बाद में रिटर्न कर दूंगा जब भी मेरी सैलरी आएगी उसमें से। देखो हेल्प करना तो बहुत अच्छी बात होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि इंसान के काम ही आता है। और प्लस में आप एक आर्मी की बहन की लड़की की शादी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरा दोस्त था वो, हाँ साथ में पोस्टिंग थी, देश की सेवा करते बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा काम करना भी चाहिए आपको आगे भी। और आप लोगों के लिए कि हमें भी हेल्प करनी ही चाहिए। तो हमारे पास जितना होगा, मैं तो शॉपिंग करने आई थी यहाँ पे CP में। अच्छा। तो हमारे पास जितना होगा हम उतनी हेल्प कर सकते हैं, जो भी मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हो सके, मतलब मेरे पास इतना तो नहीं, बट हम जितना है मैं उतना कर सकती हूँ। अरे यार जितनी मेरी तरफ, बहुत बड़ी बात है, आप हेल्प करते रहो, लोग तो हेल्प भी नहीं करते। हाँ तो हमारी भी बहन जैसी है वो, जो भी हो सके आप लोग कर दीजिए। मतलब मतलब जो आपके आपको भी प्रॉब्लम ना हो, और इतना आप
इनफ है, इतना बहुत हेल्प हो गई यार, आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। तो ये मैं आपको रिटर्न कब करूँगा? रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। हाँ, ये लगा लीजिए कि वो हमारी सिस्टर है, हमने उसकी हेल्प कर दी। अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट भी नहीं है। फिर भी यार कोई किसी की एक रुपए की हेल्प नहीं करता आजकल के टाइम में। मतलब मेरे को वो हमारा फर्ज बनता है, जब इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर फायदा क्या होगा, सही बात है ना। तो मेरे पास आर्मी वाले हो, वैसे भी आप एक आर्मी वाले हो, ठीक है, और आर्मी वाले की हेल्प करनी चाहिए क्योंकि वो देश की सबकी रक्षा करते हैं। तो मेरे पास ये हैं, ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास, तो जितने हैं मैं आपको उतने दे रही हूँ सारे। हाँ, तो मैं 3,000 लेके आई थी, इसमें से 2 ले लीजिएगा आप, बाकी मैं अपना एडजस्ट कर लूँगी जैसे भी है। तो आपको दे दी, आपने तो बहुत बड़ी हेल्प कर दी यार। कोई बात, आपकी शॉपिंग फिर कैसे करोगे? कोई बात नहीं, हमारी शॉपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना अभी, शादी किसी लड़की की शादी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इज्जत का सवाल है। मैं उससे प्रॉमिस कर चुका हूँ यार। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। तो ये मैं पैसे आपको वापस कैसे करूँगा, ये तो आप मेरे को इंस्टाग्राम। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। और मैं ऐसा मत सोचना कि मैं लूट रहा हूँ, मैं आर्मी के नाम पे लूटूंगा नहीं, इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाए ना तो मैं उस लड़की की शादी, क्योंकि उसको अपने भाई से बहुत उम्मीदें थी और उसके भाई ने मेरे को मरते मरते भी ये कहा था कि यार भाई तू ही देख लियो। तो ये चीज़ है, अगर देखो आप वैसे क्या करते हो? अच्छा, जॉब भी करते हो, तो देख लो यार अगर जो भी मतलब हो सके अगर कुछ तो फिर आप मेरी हेल्प कर दो, मैं आपको रिटर्न कर दूंगा जब मेरी सैलरी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि मैं और भी लोगों से मैंने लिए हैं तो मैं वापस कर दूंगा। अब यार शादी में पैसा तो बहुत लगता है ना, मेरे पास 3-4 लाख रुपए, तो मैं सोच रहा हूँ करीब 5 लाख रुपए तक मेरे पास हो, तो मतलब जो भी जितना भी कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं ये नहीं कह रहा 2 लाख रुपये तुम दो, जो भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन बन पाए तो वो मेरी हेल्प हो जाएगी। अगर देखो मतलब क्या करूँ यार, मैंने जिम्मेदारी ले ली और अच्छा भी नहीं लगेगा, अब वो तो चला गया। मुझे अच्छा लगेगा आपकी हेल्प करके, मैं खुद आर्मी के लिए अभी ज्वाइनिंग कर रही हूं, मैं उसके लिए कर रही हूं, तो मुझे अच्छा लगेगा। आप अपना पेटीएम नंबर दे दो। अच्छा, कैश नहीं आपके पास? कैश तो है नहीं क्योंकि मैं कैश नहीं रखती, आप मुझे अपना पेटीएम नंबर दे दो, मैं आपको कैश ट्रांसफर करूँ। अच्छा, लिखिए 9595। आप लोगों का ना दिल बहुत बड़ा है, मतलब घर वालों ने बहुत नहीं आप लोगों को, नहीं आपका दिल भी बहुत बड़ा है, आप अपनी फ्रेंड आजकल कौन करता है, अपनी बहन के लिए भी कोई नहीं करता। मैंने अपने दोस्त की बहन को अपना बहन समझ के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, बहुत बड़ी बात है। मैं उसकी आखिरी विश यही थी, तो विश के उसकी शादी बहुत अच्छे से हो, उसको अपने भाई की कमी ना महसूस हो आपके होते हुए। फिर भी अगली सैलरी पे वापस कर दूंगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो, किसी अच्छे काम के लिए दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए हमें कोई जरूरत, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना जितना हो सके उतना। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत बड़ी हेल्प कर दी यार। मतलब ये पैसा हो सकता है यूज़ भी ना होए, मतलब रखा रहेगा ना तो फिर जो भी इंतजाम एंड टाइम पे क्या, हाँ एंड टाइम पे खर्चे बढ़ जाते हैं ना, फिर उस टाइम मुँह मतलब समझ रहे हो ना कि उस टाइम ना हो, फिर इधर उधर इंसान सोचता है, तो इसलिए रिजर्व अपने पास रहे तो बढ़िया है। बाकी बस मैं ये सोच रहा हूँ आपको वापस कैसे करूँ। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस मत करो, कोई नहीं, हेल्प करना चाहिए, इंसान इंसान की हेल्प नहीं करेगा तो क्या, आप इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, और कोई जरूरी नहीं है तेरा, सही में। हाँ ठीक है। यार आप लोगों का ना सच्ची बताऊँ, क्या नाम बताया था आपने? पूजा। पूजा और आपका? सुलेखा। सुलेखा, आप लोगों का ना दिल बहुत बड़ा है। 37 ठीक है। कितने किया आपने? 3,000। 3,000, इतने ज़्यादा? मतलब मेरे को आपको कमी तो नहीं पड़ेगी, आपने 3,000 रुपये मेरे को दे दिए। चलो, आपने हेल्प तो मेरी बहुत मतलब बहुत बड़ी कर दी, 3,000 रुपये एक साथ देना मतलब बड़ी बात होती है। वैसे क्या मतलब, मैं तो थैंक्स भी कैसे बोलूँ, आपका नंबर मेरे पास आ गया, जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? कभी भी कर सकते हो आराम से, कोई आपको ज़रूरत तो नहीं है? अगर अच्छा नहीं, आपका दिल बहुत बड़ा है यार, मैं तो बहुत परेशान हो गया था कि मैं कैसे सारा मैनेज करूंगा। नहीं आप लोग मतलब हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हो, आर्मी में खड़े रहते हो, हमारे लिए लड़ते हो, तो हमारा भी फर्ज बनता है आपके लिए कुछ ना कुछ करना। चलो ठीक है, इतना टाइम निकाल के अपने दोस्त के लिए, अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के आप शादी करवा रही है, बहुत बड़ा काम है। चलो वैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, प्लीज़ बुरा मत करना, माइंड मत करना,
पर ऐसा भी मैं समझना कि मैं फ्रॉड हूँ। हम ना वैसे एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि मेरी कोई हेल्प करता है या नहीं करता, ठीक है, तो ये पैसा आप रिटर्न ले लीजिए, कोई शादी नहीं है हम के साथ। ये जानने आए थे कि अगर कोई सच में आता तो आप हेल्प करते या नहीं करते। तो आप लोग सच में बहुत ग्रेट पर्सन हो, और हम लोग एक्चुअली इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अगर आपकी परमिशन तो हम वीडियो यूज़ कर लें। नहीं 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 नहीं, तो हम लोग ना एक मतलब एक्सपेरिमेंट वीडियो बना रहे थे, वहाँ सामने हमारा कैमरा लगा हुआ है, तो अगर आप आपकी परमिशन तो हम वीडियो यूज़ कर लें। ठीक है, तो आप लोग यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, नंदू सबका बंधु मेरा यूट्यूब पे चैनल है। आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, बुरा मत मानना, मैं आर्मी पर्सन नहीं हूँ, और ऐसा भी नहीं है कि ये पैसे मैं अपने लिए रख रहा हूँ, मैं कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन आता है तो आप उसकी हेल्प करोगे या नहीं। वो हमारा सामने कैमरा लगा हुआ है, तो हम ये वीडियो यूज़ कर लें, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं आपको पैसा अभी तुरंत रिटर्न कर देता हूँ, ठीक है। आपने हेल्प करी यार, सही में मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा यूट्यूब पे चैनल है नंदू सबका बंधु नाम से। देखना आ गए पैसे? हाँ आ गए ना, ठीक है, तो वीडियो यूज़ कर लें आप लोग, कल वीडियो देखना जरूर, ठीक है, नंदू सबका बंधु यूट्यूब चैनल है, ओके, थैंक यू। मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं, आप लोगों की बातें सुन के मैं इमोशनल हो गया सही में। पता है मैं आपको बता देता हूँ, मैं ना मैं आर्मी पर्सन नहीं हूँ, मैं सच्ची बात मतलब मैं फ्रॉड नहीं कर रहा, सुन लो, मैं कोई लूटपाट करने नहीं आया, मैं आर्मी पर्सन नहीं हूँ, मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि ये मेरी हेल्प करते हैं या नहीं करते। लेकिन हमने बहुत अच्छी बात बोली कि लड़की की शादी ज़रूरी है, शॉपिंग ज़रूरी नहीं है, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, वहाँ हमारा कैमरा लगा हुआ है। मतलब किसी की फीलिंग से खेलना यार। फीलिंग नहीं, मैं खुद यार वो मेरे आंसू मेरे आंसू आ गए, लेकिन नहीं नहीं गलत बात है ऐसे नहीं। आप लोग सुनो, आप लोग बहुत अच्छे हो, मैं ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई इस तरीके से हेल्प करेगा, क्योंकि यार आजकल कोई किसी की एक रुपए की भी हेल्प नहीं करता। वो तो समझ सकती हूँ, अगर आप ऐसे करोगे तो जो बंदा रियल में हमसे प्रैंक मदद मांगने आएगा, हमें तो लगेगा प्रैंक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं, सोचना चाहिए ना आपको। वो बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं सिर्फ प्रैंक नहीं कर रहा था, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि लोग हेल्प करते हैं। और ये पैसे मैं ले नहीं रहा, ये पैसे आप अपना शॉपिंग कीजिए, क्योंकि शादी होगी तब मैं रियल में मांग लूँगा आपसे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आप लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो नंदू सबका बंधु। और भाई लोग ऐसे ही जिस तरीके से इस वीडियो में लोगों ने मेरी हेल्प करी है, आपके आसपास जो भी लड़कियों की शादी होने वाली हो, जो छोटी हो या जिस किसी को भी ज़रूरत हो, आप लोग हेल्प ज़रूर करो, हेल्प करके अच्छा ज़रूर लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा फिर किसी और दिन किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।